हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं बनाऊंगी खिचड़ी, क्योंकि बाहर बारिश हो रहा है, वेदर भी बहुत अच्छा है, तो सोचा आज खिचड़ी बना लेते हैं। मैं जो प्रोसेस से खिचड़ी बनाऊंगी वो फटाफट हो जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर देखिए मूंग डाल लिए हैं। आप जितना क्वांटिटी में चावल डालते हैं राइस बनाने के लिए, तो उसका आधा आप चावल लेंगे और आधा दाल लेंगे। एक कप चावल ले लिया है और इसमें आधा कप मूंग दाल और आधा कप मैं यहाँ पर देखिए अरहर है और चने का दाल है। देखिए कढ़ाई चढ़ा दिया है और इसमें मैं पहले मूंग दाल को थोड़ा सा ऐसे ही सूखे कढ़ाई पे फ्राई कर लेंगे, थोड़ा सा ब्राउन करके फ्राई करूँगी। और आज मैं आप सबके सामने और एक और रेसिपी भी बनाऊंगी, तो पहले मैं खिचड़ी को बना लेती हूँ। देख सकते आप ब्राउन ब्राउन हो रहा है और मैं अभी ये चना और अरहर का दाल भी इसमें डाल दूँगी और इसे भी दो मिनट ऐसे चला लूँगी। पता है सबको ही खिचड़ी बनाना आता है, सब अपने अपने स्टाइल में बनाते हैं, तो ऐसे करके बनाएंगे तो खिचड़ी जल्दी बन जाएगा। मैं दाल को निकाल लिए हैं कढ़ाई से, इसे इसे वॉश कर लूँगी और प्रेशर कुकर में डाल दूँगी। स्वाद अनुसार नमक डाल दूँगी, हल्दी पाउडर डाल दूँगी और थोड़ा सा तेल डाल दूँगी और इसे एक सीटी लगा लूँगी। अभी मैं मीडियम फ्लेम पे गैस पे चढ़ा दिया है, एक सीटी लगा लेंगे, उसके बाद इसे बंद कर देंगे। गैस पे मैं इतना पानी देके चढ़ा दिया है गर्म हो जाए अच्छे से, उसके बाद मैं चावल को धोकर उसमें डाल दूँगी। पानी में उबाल आ चुके हैं और मैं यहाँ पर चावल को धो के थोड़े देर भिगो के छोड़ दिए थे, तो 5 मिनट और मैं इसमें अभी डाल दूँगी। अभी ये आधा पकने के लिए छोड़ दूँगी और पानी आप क्वांटिटी के हिसाब से डालिएगा कि ज़्यादा ना हो जाए और कम भी ना हो जाए। और चावल किसी किसी का बहुत लेट से पकता है, तो आप एक काम कर सकते हैं, चावल को पानी में अच्छे से धो के आधा घंटा पहले उसे भिगो के छोड़ दीजिएगा थोड़ा सा, तो चावल जल्दी बन जाता है। तो खिचड़ी में डालने के लिए मैं मसाला बनाऊंगी, तो मैं यहाँ पर देखिए इतना सा छोटा सा हिस्सा मैंने अदरक ले लिया है और इसमें मैं अभी डालूंगी 1 चम्मच और हाफ जीरा पाउडर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर। इसे मैं सिलबट्टा में पेस्ट कर लेती हूँ। और आप अगर मिर्ची खाते हैं बा तीखा खाते हैं, तो आप यहाँ पर हरी मिर्च या साबुत सूखा मिर्च भी डाल के इसके साथ पेस्ट कर सकते हैं। मैं खिचड़ी में छौंक लगाऊंगी साबुत सूखा मिर्च से, इसलिए मैं इसमें अभी नहीं डालूंगी, तीखा हो जाएगा। यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा दिए हैं और थोड़ा सा मैं तेल डाल के जो मसाला पेस्ट किए हैं उसे थोड़ा सा भून लूँगी, क्योंकि जीरा है, नहीं तो जीरा का वो कच्चा जो एक स्मेल आता है वो आ जाएगा खिचड़ी में, वो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसे भून लूँगी मसाला को। मैं यहाँ पर एक मीडियम साइज का टमाटर लिए हैं, थोड़ा सा नमक डालूंगी क्योंकि मैं दाल में भी नमक दे चुकी हूँ और चावल में भी डालूंगी, इसलिए नमक थोड़ा सा आप ध्यान से ही डालिएगा कि ज़्यादा ना हो जाए खिचड़ी में। कटोरी में थोड़ा सा मैं पानी डाल के मैं डाल दूंगी पानी, थोड़ी से पकने के लिए छोड़ दूंगी। अब इसको ढक दूँ, मसाला भी बन के रेडी हो गया है।
और ये देखिए दाल भी मैं निकाल चुकी हूँ प्रेशर कुकर से। इसी में मसालों को लेकर मैं खिचड़ी में डालूंगी। ज़्यादा बन चुका, इसमें मैं थोड़ा सा हल्दी भी ऐड किए हैं कि थोड़ा सा येलो येलो कलर का खिचड़ी बहुत अच्छा लगता है। पकाएंगे थोड़ी देर, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे क्योंकि दाल में है, सब नहीं दिया हुआ है नमक। ये बन गया है, मैं बंद कर दूंगी क्योंकि ये ठंडा हो जाएगा तो थोड़ा सा जम जाएगा। अभी इधर मैं काकरोल, देखिए काकरोल बोलती है हमारा बंगाली में, इसे घी कौड़ला बोलते हैं, इसे फ्राई करूंगी। तो कढ़ाई में मैं पहले तेल डाल दूंगी, अच्छे से मिला लूंगी। खिचड़ी तो बन चुका है लेकिन अभी उसमें छौंक लगाना बाकी है, वो भी लगाएंगे। अभी मैं बनाऊंगी कढ़ी पकौड़ा, तो आप बेसन का भी पकौड़ा बना सकते हैं, तो लेकिन मैं ये आलू को पहले कद्दूकस करूंगी, उसके बाद ही इसको पकौड़ा बनाएंगे। पहले मैं इसे कद्दूकस कर लूंगी। आप चाहे जिसमें चाय कर सकते हैं, मीडियम साइज में, छोटे साइज में। मैं यहाँ पर एक आलू लिए हैं, आप जितना पकौड़ा बनाना चाहते हैं उसी से हिसाब से आलू ले सकते हैं। और अभी मैं इसमें 3 चम्मच बेसन डाल दिया है, स्वाद अनुसार नमक डाल दिए हैं, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दिए हैं। इसमें पानी मैं यूज़ नहीं करूँगी अभी क्योंकि आलू में थोड़ा बहुत तो पानी रहता ही है। देखिए उसी में हो गया। और एक बार आप ऐसे करके आलू को कद्दूकस करके बेसन से पकौड़ा बनाकर आप एक बार करी में डालिएगा तो देखिएगा इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। इस तेल में मैं काकरोल फ्राई किए थे उसी में ही पकौड़ा को भी फ्राई कर लूँगी, तेल ज़्यादा है। और मैं छोटे छोटे बॉल्स बनाकर इसमें डालूँगी, आप अपना हिसाब से साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। जब तक पकौड़ा फ्राई होता है मैं दही को फेंट लेती हूँ। बहुत बार तो आप सब कढ़ी चावल खा के देखे हैं, तो मैंने सोचा आज वेदर भी अच्छा है, खिचड़ी बनेंगे, तो आज एक बार कढ़ी खिचड़ी बना कर दे। तो एक बार घर पे ज़रूर आप भी कढ़ी पकौड़ा और खिचड़ी बना कर देखिएगा। यहाँ पर देखिए आप, मैं 1 कप दही लिए हैं, खट्टा दही। बेसन लेंगे 2 चम्मच और मैं इस विस्कर की मदद से इसे मिक्स कर लूंगी। आप मिक्सी में भी कर सकते हैं लेकिन इसमें अच्छे से देखिए मिक्स भी हो गया है। मैं थोड़ा सा पानी अभी इसमें ऐड करूंगी, 1/2 कप मैं इसमें पानी ऐड किए हैं क्योंकि अच्छे से दही के साथ बेसन को फेंटना है, एक भी लंप ना रहे। जितना अच्छे से आप फेंटेंगे उतना अच्छे से कढ़ी भी बनेगा। आप सोचेंगे मैं ग्लास में क्यों बना रही हूँ, क्योंकि इसमें देखिए ज़्यादा इधर उधर फैलेगा नहीं ये, नहीं तो आप कटोरों में करेंगे फैल जाएगा। थोड़ा सा एक बड़ा या गहराई वाला कुछ बर्तन में आप करेंगे तो ये छिड़केगा नहीं, नहीं तो पूरा चारों तरफ हो जाता है। तो ये देखिए बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है, अभी इसे अभी ऐसे रख देंगे ढक के। आप अगर ज़्यादा पकौड़ा इसमें डालना चाहते हैं तो एक आलू और आप ऐड कर सकते हैं इसके साथ। अभी इसे उठा लूँगी।
और इसी तेल में अभी मैं जो बैटर बना के रखे थे बेसन और दही का तो डाल दूंगी। इसमें पानी भी ऐड करना है बहुत, इसे बहुत देर तक पकाना होता है। अब इसे आपको चलाते जाना है, इसमें और मैं पानी ऐड करूंगी। उसी का दो ग्लास, जो इस बड़े ग्लास का मैं बनाया इसका दो ग्लास मैं पानी इसमें ऐड किए हैं। आप और भी पतला अगर खाना चाहते हैं तो और हाफ ग्लास ऐड कर सकते हैं, क्योंकि पकते पकते ये तो कम हो जाता है थोड़ा सा पानी, इसे बहुत देर तक पकाना पड़ता है, नहीं तो बेसन का कच्चापन आ जाएगा। और जब तक ना उबालते हैं आपको ऐसे ही चलाते जाना है, नहीं तो लम्स हो जाएगा। मीडियम फ्लेम पे आप रखिएगा गैस को। थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दिए थे, ना उबाल आ जाए आपको ऐसे ही चलाते जाना है। और उबाल आ जाने के बाद आप दो तीन सेकंड बाद बाद भी अगर चलाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उबाल आ चुका है, देखिए थोड़े देर उबालने के बाद ही इसमें नमक ऐड कीजिएगा। मैं नमक डाल दिया, दही खट्टा है तो उसी के अकॉर्डिंग आप नमक डालिएगा। और अगर समझ में नमक ना आए तो आप थोड़े टेस्ट करके फिर नमक कम ज़्यादा हो तो आप ऐड कर सकते हैं। आपको 20 से 25 मिनट या आधा घंटा इसे पकाना है, क्योंकि पानी और डालना है, फिर धीरे धीरे पका पका कर पानी कम भी हो जाएगा और आपका जो बेसन का कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाएगा। कलर भी देखिए अच्छा आया है, और मेन चीज़ तो इसका छौंक लगाना होता है। अब मैं इसमें ये जो पकौड़ा रखे थे तो मैं और एक आलू का बनाया फिर इसमें डाल दूंगी, और 5 मिनट इसे ऐसे पकौड़े के साथ पकाएंगे ताकि इसका अंदर भी ये जूसी जूसी हो जाए। कढ़ी बन जाएगा लेकिन पूरा नहीं बनेगा, अभी आधा बना है, पूरा बनेगा जब छौंक लगाएंगे इसमें। और एक बात है, ये ज़्यादा देर तक रखिएगा मत, गरम गरम बना के खाना चाहिए, क्योंकि अगर आप थोड़ी देर इसे रख देंगे ठंडा हो जाएगा तो ये ठीक हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा, फिर आपको फिर से इसे गरम करना पड़ेगा। आप इसे गरम गरम ही सर्व कीजिएगा, मतलब आप बनाइए और खाने के लिए बैठ जाइए। तो 5 मिनट आप लेट कर सकते हैं लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। ये बन के रेडी हो गया है, अभी मैं खिचड़ी में छौंक लगा लेती हूँ। पहले तो मैं इसमें 2 चम्मच घी डालूंगी, देसी घी, और इसमें डालूंगी साबुत जीरा और सूखा मिर्च। तो अच्छे से इसे पका लेंगे और खिचड़ी में लगा देंगे। देखिए कैसे गाढ़ा बन चुका है खिचड़ी भी। तो मैं इसमें तेल डाल दूंगी, तो मैं कड़ी पत्ता को धो के अच्छे से इसे आप कपड़ा में इसे थोड़े देर रखे थे कि इसका पानी सूख जाए, नहीं तो आप तेल में देने के साथ साथ बहुत छिड़कता है। इसमें फिर भी थोड़ा बहुत पानी है, छिड़केगा फिर भी। तो मैं पहले इसमें सूखा मिर्च दे दूंगी, कड़ी पत्ता दे दूंगी, डालूंगी थोड़ा सा 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये तीखा नहीं होता है लेकिन आपका कड़ी में बहुत अच्छा सा कलर लाएगा। और गैस को बंद कर दूंगी और इसमें छौंक लगा दूंगी। देखिए कितना अच्छा सा कलर आया है कड़ी में। अब
अब मैं इसे गरम गरम खिचड़ी के साथ सर्व करूंगी। और कढ़ी चावल तो हम लोग खाए हैं बहुत बार, तो पूछेंगे कढ़ी खिचड़ी कैसा लग रहा है। अंतर तो होगा दोनों का जरूर, लेकिन फिर भी कैसा लगता है, तो इसी का रिजल्ट आप खाने के टेबल में मिलेगा आपको। तो ये देखिए आज का हमारा लंच है, खिचड़ी, ककड़ोल फ्राई और कढ़ी। तो कढ़ी चावल तो बहुत खाए हैं, अभी कढ़ी खिचड़ी खा के बताओ कैसा लग रहा है। कढ़ी तो अच्छा लग रहा है, खाली खिचड़ी के साथ कढ़ी बहुत अच्छा लग रहा, खिचड़ी के साथ थोड़ा सा कढ़ी। तो आप लोग भी कढ़ी के साथ चावल तो बहुत खा के देख लिए है, एक बार खिचड़ी भी ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स से जरूर बताइएगा कि कौन सा कॉम्बिनेशन आपको ज़्यादा अच्छा लगा, कढ़ी चावल या कढ़ी खिचड़ी। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, अभी खाना खाएंगे। तो बाय फ्रेंड्स।